जूनियर एनटीआर की फिल्म को लात मार चुकी है आलिया भट्ट। अब सामने आई वजह। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने खुद ही कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करके दी। एक तरफ जहां आलिया की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है, वहीं दूसरी ओर जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म एनटीआर 30 से एक्ट्रेस के एग्जिट को लेकर फैंस काफी हैरान है। बता दें कि फिल्म आरआरआर के प्रमोशन के दौरान आलिया ने खुद ही इस बात की पुष्टि की थी कि वह जल्द ही कोरताला शिवा द्वारा निर्देशित फिल्म एनटीआर 30 में जूनियर एनटीआर के साथ मुख्य किरदार में नजर आएंगी। हालांकि फैंस को झटका तब लगा जब आलिया भट्ट फिल्म से बाहर हो गई। हालांकि आलिया के इस फैसले को लेकर बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में यह अफवाह फैल रही है कि एक्ट्रेस ने शादी के तुरंत बाद अपनी प्रेगनेंसी के कारण जूनियर एनटीआर की फिल्म छोड़ने का फैसला लिया है। वहीं आलिया भट्ट के इस फैसले को लेकर कुछ लोगों ने कहा है कि वह शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। यही कारण था कि उन्होंने SS राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR के प्रमोशन में ज्यादा हिस्सा नहीं लिया। वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ी और RRR जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद अब जल्द ही आलिया भट्ट अपने पति रणबीर कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगी। ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में रणबीर और आलिया के साथ अमिताभ बच्चन, नागा अर्जुन और मौनी रॉय भी मुख्य किरदार में हैं। फिल्म की कहानी के साथ साथ ग्राफिक्स और VFX फैंस को काफी पसंद आया है। इसके अलावा आलिया साल 2023 में फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी नजर आएंगी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।